हर हर महादेव आप सभी साथियों को सावन पवित्र माह की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। इसमें सावन का माह चल रहा है जो कि धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। सावन का व्रत करने वाले लोगों को और सावन सोमवार व्रत करने वालों को व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। आज जानेंगे इसी से जुड़ी जानकारी। किसी भी व्रत का समय पूरा होने के बाद प्रभु स्मरण के साथ जो अंतिम पूजा की जाती है वही उस व्रत का उद्यापन कहलाता है। सावन का महीना समाप्ति की ओर है, ऐसे में सावन के व्रत करने वाले भक्त और सावन सोमवार के व्रत करने वाले भक्त अब व्रत के उद्यापन की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। व्रत पूर्ण होने के बाद उद्यापन या समापन करना बहुत जरूरी होता है, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। सावन सोमवार व्रत का उद्यापन सावन के आखिरी दिन किया जाता है। आप अन्य किसी सोमवार व्रत का उद्यापन अन्य दिनों में किया जा सकता है, परंतु सावन सोमवार व्रत का उद्यापन सावन के अंतिम दिन ही किया जाता है। अगर आपने हर सोमवार का व्रत किया है तो आपको सावन के आखिरी दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए, तभी आपको व्रत और सावन पूजा का पूरा लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं सावन का आखिरी सोमवार कब पड़ेगा। सावन मास का समापन 19 अगस्त को रात्रि में 11:55 पर होगा। उसके बाद भाद्रपद या भादों का महीना शुरू हो जाएगा। सावन माह के आखिरी दिन सावन सोमवार का व्रत भी रखा जाएगा। इस साल सावन की शुरुआत 22 जुलाई से हुई थी। सावन मास की आखिरी व्रत सोमवार 19 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। 18 अगस्त को सावन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की 6 तिथि है, इसीलिए पूर्णिमा 19 अगस्त को ही प्रवेश करेगी। पूर्णिमा शुरू होते ही भद्रा भी शुरू हो जाती है जो 19 अगस्त की दोपहर में 1:31 तक रहेगी। उद्यापन करने वालों को शुभ मुहूर्त में पूर्णिमा के दिन अपने व्रत का उद्यापन करना है। और अब जानते हैं सावन सोमवार व्रत उद्यापन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। सावन सोमवार व्रत उद्यापन के लिए हमें शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा चाहिए, साथ में चंद्रदेव की मूर्ति या चित्र, उसके साथ में चौकी या लकड़ी का पटरा, रुई पत्ती के लिए और पंचामृत, ये बनेगा गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद एवं शर्करा मिला हुआ पंचामृत चाहिए और छोटी इलायची, साथ में लौंग और पुष्पमाला, 2 सफ़ेद एवं 1 लाल, साथ में अक्षत, पान, कुमकुम, गंगा जल और इसके साथ 1 कटोरी आचमनी वस्त्र, 1 लाल एवं 3 सफ़ेद, साथ में पंचपात्र, पुष्प, लोटा, नैवेद्य, रोली, मौली, धूप, कपूर, चंदन, सफ़ेद एवं लाल दोनों तरह का, चौकी या लकड़ी का 1 पटरा और सुपारी, साथ में ऋतुफल जो भी उपलब्ध हो, मौसम के आरती के लिए 1 थाली और मिट्टी का दीपक, कुशासन, खुले हुए रुपए, यज्ञोपवीत हल्दी से रंगा हुआ और चौकी या लकड़ी का 1 पटरा, केले के खम्भे, केले का तना पत्ता सहित और केले का पत्ता, साथ में आम के पत्ते। तो ये सामान हमें चाहिए सावन सोमवार व्रत उद्यापन के लिए। और अब जानते हैं सावन सोमवार व्रत का उद्यापन करने की विधि क्या है। इसके लिए सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर लें, अगर संभव हो तो इस दिन साफ सफ़ेद वस्त्र धारण करें, फिर पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लें और इसके बाद पूजा स्थल पर केले के 4 खम्भे के द्वारा चौकोर मंडप बनाएं, मंडप को फूल और बंधन वार से सजाएं, साथ ही में पूजा स्थल पर सभी सामग्री रख लें और पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं, फिर लकड़ी के पटरे को मंडप के बीच में रखें, साथ ही उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। पटरे पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा
स्थापित करें। उसके बाद चौकी पर चंद्रमा को भी किसी पात्र में रखकर स्थापित करें। आप सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करने के लिए पवित्रीकरण करें। इसके लिए हाथ में जल लेकर नीचे दिए गए मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने ऊपर जल छिड़के। मंत्र है ओम पवित्र अपवित्रो या सर्वाव स्थांकतोष पिवा या स्मरेत पुंडरी काचम स ब्रह्मा भयं तदा शुचि। इसके बाद पूजा की सामग्री और आसन को भी मंत्र उच्चारण के साथ जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। इसके लिए मंत्र है प्रत्वीति मंत्रस मेरु पुष्टा गिया शुतलम छंदा कुर्मु देवता आसनी विन योगा। और इसके बाद भगवान की प्रतिमा को चंदन रोली और अक्षत का टीका लगाएं। साथ में उन्हें फूल माला अर्पित करें और पंचामृत का भोग लगाएं। संभव हो तो भोलेनाथ को सफ़ेद फूल चढ़ाएं और साथ में सफ़ेद मिठाई भी अर्पित करें। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल दूध दही शहद घी गंगा जल आदि चीज़ें चढ़ाएं। साथ में बिल्व पत्र धतूरा और भांग भी चढ़ाएं। इसके साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए काले तिल डालकर शिवलिंग पर 11 लोटे जल अर्पित करें। इस तरह से पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण करें। ध्यान रहे कि उद्यापन के दिन आपको एक ही समय भोजन करना है। साथ में रात में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना है। इन दो कामों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस दिन आपको बेड पर नहीं सोना है और भोजन भी केवल एक समय ही करना है। तो ये थी दोस्तों सावन सोमवार व्रत की उद्यापन की सही विधि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको इस विधि के साथ ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा और व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। आप और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है, क्लियर नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।